हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच जी के न्यूज नॉलेज में। माधवगंज से बेहद ही सनसनी मामला सामने आया है। जी हां, पत्नी ने पति को लात घूसों से। दोस्तों बड़ी खबर है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों आपको बता दें कि ग्वालियर में एक पति को पत्नी के मायके जाते समय रोक टोक करना जरा महंगी पड़ गई। पत्नी का मूड खराब हो गया और पत्नी ने लात घूसों से पति की आरती उतार दी। इतना ही नहीं, पत्नी को लेने आई उसकी माँ ने भी दामाद पर हाथ साफ करते हुए 2 से 3 चपाटे मार दिए। घटना तोमर मुर्गी फार्म पर एक दिन पहले की है। घायल पति ने मामले की शिकायत माधवगंज थाने में की है, जिस पर पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पत्नी और सास के खिलाफ मारपीट की FIR दर्ज कर ली है। मिली जानकारी के अनुसार माधवगंज गुड़ा गुड़ी का नाका तोमर मुर्गी फार्म निवासी आकाश पुत्र शिव नारायण शर्मा की सास विमला शर्मा रविवार को घर आई थी। दोपहर में आकाश की पत्नी पूजा ने पति को बताया कि वह अपनी माँ के साथ मायके जा रही है। पति ने पूछा कितने दिन के लिए जा रही हो, इस पर पूजा ने बताया कि 1 महीने के लिए जा रही हूँ। यह सुनकर आकाश ने कहा कि ठीक है, 1 महीने बाद आकर उससे ले जाएंगे। इस पर पत्नी ने कहा कि तुम लेने मत आना, मेरी मर्जी होगी तो मैं खुद आ जाऊंगी। इस पर पति ने उसे टोका। यही झगड़ा होने लगा तो पूजा ने उसे गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर पूजा ने पति को लात घूसों से आरती करना स्टार्ट कर दिया। इतना ही नहीं, सास विमला ने भी आकाश पत्नी और सास ने मारपीट कर अपना सामान लेकर चली गई। घटना के बाद पीड़ित माधवगंज थाने जाकर पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज की। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल HGK न्यूज नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।